तो आज का मिशन हम ड्राइवर के साथ और माइकल के साथ कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स प्ले। और यहाँ पर माइकल जूस पिएगा पहले, जो कि पता नहीं किस चीज़ का है, नीम का है या फिर कोई काढ़ा है, बहुत हार्ड वाला, इतना हार्ड कि पूरी माइकल की बॉडी एक्सपोज नहीं कर पाती उसको, बहुत ही ज़्यादा कड़वा एकदम नीम के माफिक। अभी माइकल की गर्लफ्रेंड चली गई है उसको छोड़कर काफ़ी टाइम पहले, और यहाँ पर फ़ोन आ गया स्टीव का, जो कि यहाँ से मिशन स्टार्ट होता है। माइकल को फ़ोन करा गया है स्टीव ने। अब माइकल जाएगा स्टीव के पास और यहाँ से डायरेक्ट ही अपनी कार निकालेगा, कार नहीं बाइक से चलें, कार से चलें, कार से चलते हैं क्योंकि मौसम भी पता नहीं कब ठीक नहीं है और कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है। और मौसम वास्तव में ठीक नहीं है, बारिश हो रही है और बारिश में तो गाड़ी का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ ड्राइवर का इंगेज आया है तो चलो ड्राइवर के इंगेज पर चलते हैं। और यहाँ पर चेंज कैरेक्टर, हम पहुँच गए हैं ड्राइवर के कैरेक्टर पर और ये हम आ गए ड्राइवर के सीन में। अरे ये क्या कर रहा है? ओह शिट मैन, इसने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। इस साले के पास अपना बाथरूम नहीं, कुछ नहीं। ये आ गया अपना माइकल, माइकी। साले को इसको कहीं सही से पेट साफ करने को भी जगह नहीं है वहाँ ड्राइवर को। तो यहाँ से मिशन स्टार्ट होता है। माइकल ड्राइवर के साथ अपने गैराज रूम में, और यहाँ पर भाई लोग हैं डेवी और ये मेन गैंग लीडर, और ये लोग मिशन दे रहे हैं ड्राइवर और माइकल को। एक बंदा है उसको गोली मारनी है और ड्राइवर उसको यहाँ पर हरेशमेंट करेगा, और ये यहाँ पर माइकल जाएगा जो कि उसको स्नाइपर से शूट करेगा। और ये मिशन पूरा का पूरा इन दोनों को ही कंप्लीट करना है। ये है मिस्टर डेवी जो कि स्मोकिंग कर रहे हैं। स्मोकिंग सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है भाई लोग। और ये निकला है बंदा, ये वही वाला बंदा है जिसको एरोप्लेन से बचाए थे लास्ट मिशन में। आप वो वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो को लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ये यहाँ पर इसको टेप लगाते हुए वो बंदा बोल रहा है कि उसको कुछ नहीं पता है, लेकिन इसको सब कुछ पता है। और यही डेवी की फ्रेंड्स करेंगे इसके साथ जब इसको टॉर्चर किया जाएगा, थर्ड डिग्री का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तब भी अपने आप बताएगा। और यहाँ पर प्लास है, रिंच है, कौवा पाना है, सारे हथियार हैं बहुत खतरनाक तरीके के, जो कि अब इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। इसकी पल्सेस चेक किए जाएंगे, अगर ये कुछ भी झूठ बोलता है तो उसमें सब कुछ पता चलेगा। और ये बोल रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता है, और जबकि झूठ बोल रहा है और इसको फुल पता हुआ है। अब ड्राइवर का काम शुरू है, ड्राइवर निकालेगा। और ये यहाँ पर इसने माइकल को स्नाइपर गन दे दी है उसके शूट करने के लिए, और ड्राइवर जा रहा है अपने जहाँ पर इसको ग्राफ दिया गया, और ड्राइवर ने बोल दिया है आप जाओ जर्नी पे मौज करो, और ड्राइवर अपना काम करेगा। और यहाँ पर पहले जाना है इस बंधु के घर पे, इसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है शायद, इस साले को साथ में रखना पड़ेगा क्योंकि इसी हरामखोर को सारी दुनियादारी पता है। चल दिए हैं, गाड़ी इसकी बहुत बढ़िया है एकदम मज़ेदार। अरे भाई को सारी
प्लानिंग पता है जो कि अब बता रहा है ड्राइवर को। और ये हम गाड़ी आराम से इसको मुड़ाते हैं, सीधे चलते हैं, जो कि इसने जो स्नाइपर गन दी है उसके इक्विपमेंट्स भी बहुत डेंजरस हैं, जो कि 125 मीटर्स पर आराम से निशाना लगाकर 7mm की बुलेट्स है, जो कि सीधे पूरा काम कर देगी। अभी चलना है मिशन पर, जहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में, एक बिल्डिंग के अंदर है वो बंदा जिसको गोली से ठोक देना है स्नाइपर से। और यहाँ माइकल के साथ डेवी भी है जो कि मिशन पे जा रहे हैं। तो चलते हैं मिशन की ओर। और भाई की गाड़ी से BMW है, तो गाड़ी बढ़िया एकदम, चलाते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। और इसमें जो पैसा मिलेगा वो माइकल और ड्राइवर दोनों आपस में बांट लेंगे गाइस। और क्या ही कार का कलर तो बहुत ही थांसू है भाई, मतलब मज़ा आ गया इस कलर देखकर। और यहाँ पे ये हमर गाड़ी है, इसको भी एक दिन लिया जाएगा, इसको माइकल के कैरेक्टर में इसको बाय करेंगे। अभी आराम से चलते हैं पहले। और अभी रात हो गई है, क्या ही बिल्डिंग है, एकदम सुहानी सुहानी, बहुत सन्नाटा ही सन्नाटा, बिल्कुल अंधेरा। अरे भाई आराम से गाड़ी वाले। और यहाँ हिप हॉप गाड़ियाँ भी हैं जो कि बहुत बढ़िया हैं, लड़कियाँ बहुत चीखती हैं भाई, उनके पास खड़े हो जाओ तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देती हैं। और बताओ इतनी शक्ल बुरी है क्या माइकल की? अरे मान लो उसकी गर्लफ्रेंड चली गई तो रड़ुआ आदमी थोड़ी ना है वो, चूतिया समझ रखा है इनने उसे। अरे मार देता है चुच्चो गाड़ी चलते चलते। अरे भाई आराम से आराम से, बहुत बढ़िया गाड़ी है यार, फूट फाट जाएगी तो बड़ा बुरा लगेगा उसको भी और इधर भी। खैर हम लोग, अरे भाई घोड़े पे कौन बैठा है? अबे दिख तो जा घोड़े, अबे दिखाया नहीं साले माइकल हराम खोर, माइकल बहुत हराम खोर है। अरे जे मारी टक्कर, अरे मर गया, क्या हुआ वो? निकल लो यहाँ से साले, उसका हॉर्न बजी रिया लगातार, मरमराना गया हो गई। अब सीधे चलते हैं, हम पहुँचने ही वाले हैं मिशन पर। और यहाँ पे उसका शायद ये घर है जिस बंदे के घर पे पहुँचना था। और यहाँ पर खड़ा हुआ है कोई मीडिया, अरे मीडिया वाले आ गए भाई, पहली बात फैल गई है पूरी, मर्डर होने वाला है तगड़ा। अच्छा हुआ बंदा माइकल के साथ है, अब यहाँ से डायरेक्ट निकल लेते हैं क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ इसने फ़ोन कर दिया है गलत, अरे भाई उसने गलत घर बताया, अब उसका कांड आगे बढ़ाया जाएगा, उस साले को खुराक देनी पड़ेगी, झूठ बोल दिया है इसने। अब कॉफ़ी पीने जाता है ट्रैवल, और यहाँ पर ये ड्राइवर इसको खर्चा पानी देगा ताकि ये सच बोले। और अब कोई एक हथियार उठा के इसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं तभी ये सही बताएगा, क्योंकि गलत बंदा इसने बता दिया था, जहाँ पे ड्राइवर जा अभी माइकल जहाँ पहुँचा था वो एक गलत इन्फॉर्मेशन थी। अब ड्राइवर ने उठा लिया प्लास और ये निकाल देगा इसका दांत एक ही बार में पूरा भार। डेंटिस्ट के पास मत जाओ गाइस, ड्राइवर से दांत निकलवा लो, फ्री में दांत निकाल देगा। और ये भाई दांत आ गया बाहर, बहुत साला जल्लाद है ड्राइवर, ड्राइवर से बच के रहो भाई लोग, सुअर है जी सुअर, हरकतें भी सही नहीं है इसकी। दांत निकाल लिया अच्छे खासे आदमी का,
कतई निडर आदमी है जे साला। अरे उसकी 32 ही खींच ली बाहर, साले ने गलत पता दिया तो उनने उसके दांत ही निकाल लिया। अब इसको सही पता बताया, वेस्टर्न हाईवे पे जाने को बोला और यहाँ पे कॉफ़ी चढ़ा रहे हैं। माइकल को फिर से गाड़ी चलानी है, जो कि कॉफ़ी ब्रेक कंप्लीट हो गया है। अभी लोग चल दिए हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर जहाँ उसने दोबारा बताया है, और चुमैश वहाँ पर पहुँचना है। और वहीं पर जाने के बाद इस मिशन को आगे स्नाइपर रेडी करके शूट करना पड़ेगा। तो हम चल दिए यहाँ से फिर से। ओ भाई कहाँ, हाँ यार गाड़ी माइकल कहीं भी चढ़ा देता है घास के ऊपर। सीधे चलना है बिल्कुल आराम से। ओ भाई दो ट्रकों के बीच अजय देवगन बन जाएगी गाड़ी पूरी। पर चल दिए हैं प्रॉपरली आगे, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते रहे गाड़ी गाड़ी बढ़ते रहे भाई। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दौड़ा दो बस चैनल को, तो हवा में उड़ा दो, मतलब अपने फ़ोन में। तो अभी सीधे चलते हैं, थोड़ा सा दूर आई थिंक पहाड़ी एरिया में है। पहाड़ी एरिया में जाकर जो होटल है उसमें है वो बंदा, और उसको शूट करना है। और यहाँ पे जो साथ वाला बंदा है उसने फुल डिटेल बता दिया किस तरीके का बंदा है, कैसा है। भाई बहुत वीआईपी होटल लग रहा है ये तो, हेलीपैड भी बना हुआ है होटल में, पार्टी चल रही है वहाँ पे, बड़े बड़े माफिया हुए हैं। और यहाँ पे ये वाइट कार हो क्या, शानदार कार के पास से। पर अपन लोग को कोई दिक्कत नहीं है, बस चलते रहो। और ये गई रेड कार, ओ माय गॉड कहते फरारी गाड़ी घूम रही है रोड पे, कोई लूटन मारो ना है, हम ही हैं बस। चे देखो कहते जहर जा रही पास से, साला अगर मिशन नहीं होता छीन लेता भी मैं इससे, लेकिन मैं है ना अबे थोड़ो सब्र करने पर है वो। चे देखो मैंने डिवाइडर की माँ बहन कर दी, सब तोड़ डाले। अब जाओ कहे पैसा कौन दे, कोई ना दे, दोबारा से ही होंगे भाई। गाड़ी कतई ही एकदम ऐसा लग रहा है सर्विस करा के दी है, आवाज़ तो है ही नहीं। और रोड तो सुभान अल्लाह बहुत ही बढ़िया है, एकदम गाड़ी रपक रही है। हमारे गड्ढे वाले रोड पर तो घुस गई होती अब तक गाड़ी। और जे अरे भाई अरे रास्ता ही भूल गए यार, हम आ गए आगे बताओ, रोड के चक्कर में गाड़ी देख ही नहीं रहे कहाँ है हमारा मिशन, और रहेगा वो रास्ता पीछे। अच्छे जे पूरे ट्रक लिए कहाँ घूम रहे हैं हराम खोर। जे जे लिकर लिकर हाउस, यहाँ यहाँ क्या करना है भाई, दारू वारू खरीदेगा के। यहाँ गाड़ी ली हमने गाइस रोक। और अच्छा ये सामने होटल, अरे भाई बहुत तगड़ी जगह पे छुपे हैं अगर। और ये यहाँ पे स्नाइपर गन को रेडी करते हुए, अब इस बंदे ने अभी ये समझ नहीं रहा है सच्चाई भी नहीं उतारा, छुपा रहा है साला। अब ड्राइवर नया टूल उठाएगा, अरे भाई करंट लगाएगा तकड़ा, पूरा करंट लगा देगा उसको एक ही बार में साला। और ये यहाँ पर इसने इसको करंट टच देने ही वाला है, और ये दे दिया ये दूसरा टच, और भाई भयंकर करंट, और फिर से लगा दिया। अरे बहन अरे आग ही लग जाएगी अब उसमें, सुलग गया भाई, अरे गया गया मरा मरा, अरे पहले बेहोश हो गया, आ गया होश में आ गया, अरे मुंह काला पड़ गया उसका कतई। अरे ड्राइवर उसको और मुंह पे हाथ मार रहा है, अरे सच्चाई पूछने के चक्कर में बंदा पूछ रहे हैं वो कौन सा बंदा है।
अब इसने बता दिया है टू फ्लोर्स हैं, अब उस फ्लोर्स पे कौन सा बंदा है वो देखना पड़ेगा। इसमें तो ऊपर भी ये बंदा है, ये भी स्मोकिंग कर रहा है, लेफ्ट हैंड ही है। अभी ये तो नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये तो लग ही नहीं रहे। और इस तरफ कोई मीटिंग चल रही है, और ये सामने ये तो बंदा लग रहा है चरस गांजा मिला रहा था। और ये यहाँ पर भाई ट्राइवर वाला यहाँ पे ओपन करना पोर्ट, किसने छूट बोला अभी तक वो बंदा है ही नहीं। इसको एक खुराक और देनी पड़ेगी। ड्राइवर फिर से इसको दावत देगा। अरे ड्राइवर ने उठा लिया डंडा। अरे बहन जो कौआ पाना पे इसका कौआ काट देगा आपको। बहुत तेज मारता है बहन जो ची ची चेरा पूरी धाड़ सब फूट गया होगा इसका सब कुछ। अब इससे फिर से वो पूछ रहा है कि सही बता दो वो माफिया कैसा दिखता है। अभी ये बताएगा, अभी बता रहा है उसकी दाढ़ी है और वो लेफ्ट हैंड ही है। अभी ये बता रहा है उसको माइकल को किस तरीके का कोई आदमी है। अब माइकल वापस स्कोप लगाकर चेक करेगा क्या इस तरीके का कोई भी आदमी है। अब फिर से फोकस ऑन कर लिया है जो कि इनको डिटेल बताने में हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पर अभी कोई बंदा अलग, हाँ ये बंदा एक अलग नज़र आ रहा है जिसकी बहुत तगड़ी दाढ़ी है भाई, फुल बियर्ड है एकदम भरी हुई, और इसको देखकर फील भी यही आ रहा है कि माफिया है और इसको शॉट पे लेना चाहिए। बट ऐसा ना हो कहीं बंदा गलत हो जाए, इसलिए माइकल आराम से इसको गोली मारेगा कि आसपास के लोग पहले गायब हो जाएं। और पास में एक कपल खड़ा हुआ है, और कपल खड़ा है काली के साथ, अंदर से भी दो बंदे आ गए, ये भी कुछ चरस गांजे जैसा ही सीन है इनका, गांजे के शिकार में है। और ये कपल भी अब लगता है गांजे के शिकार में जा रही है, ये किसी और शिकार में जा रहे हैं शायद, गांजे वाले तो आगे निकल गए। और अब ये निकल जाए फिर यही समय होगा इसको शूट करने का। क्या ही मस्त सिगरेट पी रहा है, एक पड़ेगी गोली। अरे भाग गए। और यही बंदा था जो कि रियल है जिसको शूट कर दिया गया। और टील टन हो गई, अब वहाँ से निकलते हैं। बहुत बढ़िया, मिशन कंप्लीट। और यहाँ पे ड्राइवर को इजाज़त दे दिए कि इसको छोड़ आए एयरपोर्ट पर, और ये यहाँ से उठाता है ड्राइवर इसको, टेप काट दिए यहाँ पे इसने कैंची से, उसकी हालत बिगाड़ दी कतई, चल नहीं पा रहा है वो, सब फोड़ दिया है तोड़ दिया है, कुछ नहीं बचा है इसके शरीर में, तो चल नहीं पा रहा है वो। अरे कतई उसकी हालत ख़राब कर दी, ज़िंदगी बर्बाद कर दी उसकी, चल लिया है वो जैसे तैसे। अब उसके ले जा रहे हैं घसीट के, अरे तोड़ डाला कतई, अरे गिर गया वो, अरे मर कतई उसकी ज़िंदगी नरक बना दी, ज़िंदगी कर दी उसकी नरक। छे बैठ गए उसके साथ, वो बैठ ही नहीं पा रहे, होश ही में नहीं है। गो टू द एयरपोर्ट, अब एयरपोर्ट की तरफ चल दिए सीधे। अब देखते हैं कि कितनी देर में ड्राइवर इसको लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। और वो बोल रहा है कि उसकी उसकी फैमिली कहाँ है। ड्राइवर बोल रहा है कि सबको निपटा दिया भाई, तेरी कोई फैमिली नहीं बची है, तू ही बचा है बस, और तू भी निकल जा अपने देश, जहाँ जाए उधर ही कट जा, यहाँ रहेगा तो तेरे को बार बार काटते रहेंगे। और भाई जे सामने हावड़ा ब्रिज, बहुत ही बढ़िया ब्रिज है, पौधे ठुक गए साले गाड़ी लेकर अंधे चल रहे हैं रोड पे।
भाई ब्रिज तो बहुत ही खतरनाक है, पूरा एकदम लंबा सा है। पर कोई बात नहीं, सीधे चलते हैं हम लोग घर की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ। पहले इस बंदे को छोड़ते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे घर। भाई ब्रिज बहुत ही बड़ा है, बहुत शानदार लग रहा है। भाई रास्ता बड़ा रिंग रोड दे रखा है, पूरा घुमा कर लेकर जानी पड़ेगी गाड़ी यहाँ से। वो रो रहा है साला, वो कह रहा है कि मेरे परिवार को मुझसे मिलवा दो, पर उसके परिवार के तो ने लौड़े लगा के रख दिए हैं, सबको मारा रगड़ रख लगे। अब यही बचा है इससे पूछना था वो माफिया का पता। ओ भाई गाड़ी आराम से चला यार, आगे वाली जिंदगी तूने बर्बाद कर दी, देख बेहोश हो गया वो। ट्रक वाले को कोई फर्क नहीं है। एयरपोर्ट पे हर जगह भीड़ होती है भाई, हर जगह। इधर भी एयरपोर्ट पे भीड़ ही है। इसको कपड़े उपड़े तो पहना लेता यार, इसको ड्राइवर नंगा भेज देगा, कहाँ जाएगा फिर ये? ये जा ही नहीं पाएगा मुझे लग रहा है, प्लेन में बैठने लायक हालत ही नहीं इसकी, गिर जाएगा जो नाले उलेम कहीं जाकर। अब ले जा रहे हैं इसको, देखो वो गाली दे रही है, जिंदा गाली दे रही है वो। गलत रोड पे जाओगे तो गाली मिलेगी, और क्या मिलेगा। अब सीधे सामने रहा ये एयरपोर्ट, और ये एयरपोर्ट का स्टेशन है, बहुत ख़तरनाक एयरपोर्ट है। अपने यहाँ तो दिल्ली में ही बस ऐसा एयरपोर्ट है भाई, इंटरनेशनल फ्लाइट। अरे भाई मार देगा क्या? अरे लौंडिया चिल्ला रही, अरे दैया साली, देसी लौंडिया इधर कैसे आई? देसी गाइस, अगर मेरी वॉइस अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छे लगा हो, ये गेम अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर कोई भी मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। और यहाँ पे इसने माइकल ने इसको निकाल दिया कि जा भाई तू अपने घर जा। पर इसकी हालत लग नहीं रही कि ये पहुँच पाएगा, सब कुछ तो तोड़ फोड़ डाला है। वो कह रहा है जल्दी जा, मर जा के जा। अरे देव गिर गया लो, क्या जिंदगी होगी इसकी। अब ये जा रहा है, अरे गया, अरे लो मौत हो गई इसकी।